वंदे मातरम। मैं उदय कुमार मन्ना, मैं ब्रॉडकास्टर हूं और सकारात्मक बैठकों और सकारात्मक पत्रकारिता से भारत निर्माण की एक कोशिश 25 राज्यों की आरजेएस फैमिली और पॉजिटिव मीडिया, उसमें आप सब भी उत्तराखंड के भाई बहन हैं। आज क्या लेकर आए, क्या निकला आज का निष्कर्ष? ये निकला कि सबसे पहली मुलाकात जो है वो नगरपालिका परिषद मसूरी के जो अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात हो गई और उनके उन तक ये बात पहुंचाई गई कि निश्चित रूप से जो हमारे देवभूमि उत्तराखंड की जो व्यंजन है उसको प्रमोट करने के लिए बहुत ही बड़े पैमाने पर समर्थन मिल रहा है। क्योंकि इससे पहले, आज तो 130वीं बैठक मसूरी में हो रही है, इससे पहले हम लोग हरिद्वार में, देहरादून में, रुड़की में बैठकें करते हुए आ रहे हैं और आगे भी धनौल्टी और बालाघाट और ऋषिकेश वगैरह होते हुए दिल्ली वापस लौटेंगे। दिल्ली की पत्रकारिता में भी हम लोग ट्रेड फेयर हुआ या आर्टिजन्स जो आते हैं सूरजकुंड में उसको समर्थन करते हैं। आज हम लोग उत्तराखंड के यात्रा पर, सप्ताह भर की यात्रा, अपना समय इसलिए दे रहे हैं और इससे पहले भी अन्य राज्यों में जाते रहे हैं, समर्थन देना, सकारात्मक पत्रकारिता करना और अपने भाई बहन जो हैं उनको प्रेरित करना कि हम लोग अपने अपनों के लिए जो है, जो संस्कृति है उसको अपने साथ जिएं, अपने पुरखों को याद करें। इसीलिए आरजेएस का जो प्रोग्राम होता है वो अपने परिवार के लोगों को, पत्रकार के माताजी पिताजी को श्रद्धांजलि देते हुए, और कोई अच्छे पत्रकार को हम लोग सम्मानित करते हैं, और पत्रकार को ही नहीं सम्मानित करते हैं बल्कि उनके पत्रकार को पत्नी को भी बुलाते हैं क्योंकि उनके सहयोग के बिना ही सभी। विषय आज क्या निकला? विषय ये उत्तराखंड की संस्कृति और व्यंजन, इसको हम लोग समर्थन दे रहे हैं। मतलब 25 राज्यों की जो पत्रकार और समाज सेवियों की फैमिली है आरजेएस रामजान की संस्थान, वो इस तरह से समर्थन दे रही है। TJAPS KBSK ये संस्था जो है, ये हम लोग दो सकारात्मक पत्रकारिता की शुरुआत 4 साल से किए हुए हैं और जो भारत भर में हम भारतीय परिवार के लिए अपना पूरी क्षमता से प्रयास करते हैं कि बैठकें 130वीं यहाँ हो रही हैं तो अन्य प्रदेशों में भी बैठकों के माध्यम से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड के व्यंजन जो है वो पूरे भारत में फैले। तो हम लोगों के पास जो नेटवर्क है उसका इस्तेमाल जो है वो पंकज अग्रवाल जी की मुहिम में जो ये शुरू हुआ है और उसके बाद अन्य राज्यों में, बिहार में, झारखंड में और पश्चिम बंगाल में ये लगातार यात्रा चलेगी। धन्यवाद।